पाकिस्तान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सोलन में धर्मपुर में मनसा माता का जिला स्तरीय मेला आयोजित किया गया। इस मेले में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विनोद सुल्तानपुरी ने की। कार्यक्रम में मनोरंजन के लिए विश्व विख्यात नूरा सिस्टर्स को आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिंदू संगठन के युवाओं ने नूरा सिस्टर्स का विरोध सुबह से ही आरंभ कर दिया था। जब वे नारेबाजी कर रहे थे तो उन्हें कुछ समय के लिए पुलिस द्वारा हिरासत में भी लिया गया था। यहां तक कि जब रात को नूरा सिस्टर्स अपनी गायकी से सभी का मनोरंजन कर रही थी, तब भी ये युवा राम के नारे लगा रहे थे। कोई अप्रिय घटना न हो इसलिए पुलिस को भी चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया था। इस बारे में जब विधायक विनोद सुल्तानपुरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मेला सभी के लिए आस्था का प्रतीक है। इस मेले को जिला स्तर का घोषित किया गया है, इसलिए पहली बार यहां रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ युवा राजनीतिक रोटियां सेकने को माता के इस मेले में उपद्रव मचाना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबों को यहां कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये एक धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेले की सबको शुभकामनाएं। हमारा जो ये मेला है माता मनसा माता का, इसमें बहुत हमारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और यहाँ पे ये बहुत वर्षों से भी मनाया जा रहा है। हाल ही में इसे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है और इसके तहत इसमें अब बहुत उत्साह है। आप देख रहे हैं लोग कितना यहाँ पे उमड़ के आ रहे हैं। माता के दरबार में सब अपना शीश झुकाते हैं और माता सबसे प्यार करते हैं। और इस आयोजन में जो हमारे मेला कमेटी है, यहाँ की स्थानीय पंचायतें हैं, वहाँ से सभी लोग आए हैं और बहुत सुंदर यहाँ पे उत्साह भी है और लोगों में माता के ऊपर बहुत श्रद्धा भी है और प्यार भी है। ये कोई राजनीतिक मंच तो नहीं है और ये प्रोग्राम है, लोगों के आस्था एक अलग जगह है और जो स्थान है वहाँ पे जो ये एंटरटेनमेंट का जो पोर्शन है ये मेले में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले कुश्ती होने के बाद मेला ख़त्म हो जाता था, तो लोगों ने कहा कि मेला एक्सटेंड होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो झूले भी लगे हैं और दुकानें भी लगी हैं। इस तरह से कल कुलदीप शर्मा जी आए थे, तो आप अगर वहाँ पे होते तो वहाँ का आनंद लेते। इसी तरह आज नूरा सिस्टर्स आ रही हैं, बहुत उन्होंने देश में नाम कमाया है और मुझे आशा है कि लोग उसको इंजॉय करेंगे। राधा दिन ने पॉलिटिक्स का एक स्थान नहीं है, पॉलिटिक्स करने के लिए कहीं और जगह पे देखा जाएगा। अभी तो चुनाव हरा दिया है तो ये अपनी बौखलाहट भी दिखती है। जो मंदिर से हमारा प्यार है, इस माता के आशीर्वाद से बहुत सुंदर आयोजन करने की कोशिश की गई है और इससे हमारी धर्मपुर का नाम भी बढ़ता है, इलाके का नाम बढ़ता है। इसको छोटी सोच रखने से नुकसान होता है और मैं समझता हूँ कि अगर आपको नहीं देखना है तो आप मत आइए ना। आप लोगों को वैसे ही क्यों तंग कर रहे हैं? मेला चल रहा है, बड़ा सुंदर तरीके से चल रहा है और मुझे लगता है इस तरह की छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं, मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से भी कह सकते हैं। और ये नारेबाजी या हुल्लड़बाजी, जब सभी अपने परिवारों के साथ यहाँ पे आए हैं, ये उचित नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट सोलन। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोनू ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फैनाने। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।